दोस्तों, देशभर में डांस से धूम मचाने वाली सपना चौधरी करीब 2 घंटे तक कोर्ट की कस्टडी में रही। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड भरने के बाद रिहा किया। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को भी निरस्त कर दिया। मामले की अगली सुनवाई अब ACJM कोर्ट में 30 सितम्बर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सपना चौधरी को मौजूद रहने के निर्देश दिए। बता दें कि यह मामला साल 2018 का है। 13 अक्टूबर 2018 को दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में सपना चौधरी का कार्यक्रम था, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बिके थे। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में टिकट लेकर लोग मौजूद थे, लेकिन सपना चौधरी रात 10 बजे तक भी नहीं आई थी। इस पर दर्शकों ने हंगामा किया था। इस दौरान दर्शकों ने आयोजकों पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया और जमकर तोड़फोड़ भी की थी। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया। उसके बाद ये केस आयोजकों की ओर से दर्ज कराया गया था। इसके बाद टिकट धारकों के पैसे भी वापस नहीं किए गए। कोर्ट ने 4 सितंबर 2021 को इस मामले में सपना चौधरी की अर्जी खारिज की थी।